चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात करने वाला है, जहाँ से वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ से आपको बता दूं कि एक ही विषय में न भरे मेजर माइनर विषय परीक्षा फॉर्म भरने में आ रही है समस्याएं। शिकायत लेकर कैंपस पहुँच रहे हैं छात्र छात्राएँ, कंपनी को दिए हैं समस्या सुलझाने के निर्देश। यहाँ से आपको बता दूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म वार्षिक में प्राइवेट परीक्षा फॉर्म भरने में छात्र छात्राओं को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एकल विषय प्राइवेट के फॉर्म 3 दिन से नहीं भरे जा रहे हैं। माइग्रेशन जमा नहीं करने वाले छात्रों की संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में विश्वविद्यालय में छात्रों की भीड़ लग रही है। सीसीयू कैंपस कॉलेजों में आजकल वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत बीए बीकॉम एवं एमए एमकॉम प्राइवेट और बीए बीएससी बीकॉम वार्षिक प्रणाली के फॉर्म भरे जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पहली बार यूजी कक्षाओं में सेमेस्टर के फॉर्म भरे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा गलतियाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फॉर्मों में हो रही है। इसमें मेजर और माइनर विषय भरे जाने हैं, इनको अलग अलग भरा जाना है। बहुत से छात्र छात्राएं जो विषय मेजर में भर रहे हैं वही माइनर में भी भर रहे हैं, ऐसे परीक्षा फॉर्म निरस्त कर दिए जाएंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों और कॉलेजों को इस संबंध में फिर से गाइडलाइंस जारी की है। प्राइवेट फॉर्म भरे जाने में आ रही समस्याओं को लेकर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने फॉर्म भरवाने वाली कंपनी से स्टाफ बढ़ाकर रोजाना आ रही समस्या का हल उसी दिन करने को कहा है। डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि तकनीकी रूप से जिन विद्यार्थियों के फॉर्म ठीक है वे सभी भरे जाएंगे। जैसे उसके साथ आपको बता दूं कि सीसीयू के जो बीएड का कोर्स है उसका कॉलेज जो है सिलेबस पूरा करे, और मई में क्योंकि पेपर कराने वाले हैं, विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि मई में बीएड का जो है वो एग्जामिनेशन करा दिया जाएगा। तो सभी कॉलेज जो है यहाँ पर कोर्स पूरा कर ले। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों में बीएड फाइनल के पेपर मई में शुरू हो गए। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से अतिरिक्त कक्षाएं चलाकर कोर्स पूरा कराने को कहा है। विश्वविद्यालय के अनुसार बीएड प्रथम एवं फाइनल दोनों वर्षों की परीक्षाएं मई में शुरू करा दी जाएगी। ऐसे में कॉलेज तब तक हर हाल में कोर्स पूरा करा दे। विश्वविद्यालय के मई में पेपर कराने से फाइनल ईयर का रिजल्ट जल्द आ जाएगा। नव निर्वाचित सरकार अगले कुछ महीनों में रिक्त पदों पर भर्तियां निकाल सकती है, ऐसे में छात्र इनमें आवेदन को अहर हो जाएंगे। उसके साथ आपको बता दूं कि एमएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर 28 मार्च से शुरू होने वाले हैं। जी दोस्तों, जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। साथ में चैनल पर नए हैं तो पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।